मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के फूड फैक्ट्री जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसकी आगे स्टडी करेंगे। फूड फैक्ट्री के चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, लीफ को हमने पढ़ा और देखा कि लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं, और हमने इसमें देखा था कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए था उनको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ में हमने देखा था कि हमने एक ब्रॉड लीफ ली थी और उसमें क्या देखा था कि एक डबल पाइपलाइन की मिडरिब बीच में से, पत्ती के बीच में से निकल रही है और उसमें से काफ़ी वेन सेपरेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है उसमें, और हमारी लीफ में छोटे छोटे टिनी पोर्स थे, छोटे छोटे सर्कल, छोटे छोटे बिंदी जैसी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, और ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारी लीफ में जिसे हम कहते थे क्लोरोफिल। उसके बाद हमने पढ़े थे फंक्शन ऑफ लीफ। फंक्शन ऑफ लीफ में हमने देखा था कि लीफ के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करती है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, किस चीज़ का किस चीज़ में यूज करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये सब हमने पढ़ा, और हमने देखा था कि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो शुगर के फॉर्म में खाना बनाते हैं, जो उनका खाना बनता है वो शुगर के फॉर्म में बनता है, और प्लांट्स उसको कई प्रकार से यूज करता है। जैसे उसे एनर्जी चाहिए तो उस खाने को एनर्जी के लिए यूज करता है, उसे अपनी ग्रोथ करनी है उसके लिए चाहिए उसे, और जो एक्स्ट्रा फूड वो बनाता है उसको कहाँ स्टोर करता है, वो स्टार्च की फॉर्म में यूज, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। अब वो कहाँ पर स्टोर करता है, अपनी लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अनयूजुअल प्लांट्स। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे मशरूम, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इस प्रकार के प्लांट्स अपना खाना डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से प्राप्त करते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज क्रोटॉन एंड क्लोव्स मे हैव अ डार्क रेडिश कलर। इन प्लांट्स में ग्रीन क्लोरोफिल होता है बट रेड कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल का कलर हाइड कर लेता है, बट सिंस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें होती है। तो अभी तक हमने जितने टॉपिक इसमें क्लियर किए इनको आपको रिवाइज करना है, और आज का आपका होमवर्क है कि जो आपकी बुक में पेज नंबर 10 पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं 5, वो आपको करने हैं। और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपके घर में नई कॉपी अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जो पुरानी ईवीएस की लास्ट ईयर की कॉपी है आप उसमें अपना होमवर्क कर सकते हैं, और बाद में हम इसका करेक्शन करेंगे। तो होमवर्क डेली डेली करना है, रिवाइज करते रहना है और अपनी पढ़ाई करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।